टाटा ने अपनी सफारी को एक फेसलिफ्ट दे दिया है, नए डिजाइन, नए कैबिन, ढेर सारे नए फीचर्स और इंप्रूव सेफ्टी के साथ। ऑन पेपर दिस एसयूवी हैज अ लॉट टू ऑफर, पर रियलिटी ना कभी कभी थोड़ी डिफरेंट होती है। अब इसमें नया तो बहुत कुछ है, पर क्या उन सब चीजों का इंप्लीमेंटेशन सही से हुआ है या फिर इसमें अभी भी इंप्रूवमेंट की नीड है, चलिए पता लगाते हैं इसके रोड टेस्ट रिव्यू में, स्टार्टिंग विद दिस डिजाइन। अब सफारी का ओवरऑल लुक तो पहले जैसा ही है, पर डिजाइन एलिमेंट्स थोड़े और मॉडर्न हो चुके हैं। इसके सबसे बड़ा एग्जांपल है ये कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स, जो आपको टाटा की अब काफी गाड़ियों में देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे एक नई ग्रिल है, वर्टिकली प्लेस हेडलैम्प्स हैं और रगेडनेस के लिए एक थिक बम्पर और स्किड प्लेट भी। सामने से अभी मॉडर्न के साथ साथ थोड़ी और प्रीमियम भी लगती है। अब इसकी साइड प्रोफाइल में ज्यादा कुछ तो नहीं बदला है, पर हाँ यहाँ पर अब थोड़ी स्पोर्टी लुकिंग 19 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स आते हैं और साथ में सफारी के लोअर वेरिएंट्स में भी अब आपको अलॉय व्हील्स ही मिलेंगे, बस थोड़े छोटे साइज के। और फाइनली रियर में भी कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स आती हैं और फ्रंट की तरह ही एक बड़ा बम्पर है इसकी रगेडनेस को थोड़ा और उभारने के लिए। पर अगर आप अपनी फैमिली के लिए सफारी लेने का सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। अगर आप इसकी थर्ड रो को यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस ज्यादा नहीं मिलेगी और आप अपने यहाँ पे बस छोटे सामान ही रख पाएंगे। लेकिन अगर आप इन थर्ड रो को फोल्ड कर दें तो आपको एक 680 लीटर्स का फ्लैट बेड मिल जाता है, जहाँ पे आप अपनी फैमिली ट्रिप का सारा सामान इजीली रख पाएंगे। लेकिन इस बूट में एक खास बात है और वो है एक पावर टेलगेट, ताकि सारा सामान रखने के बाद आप बस एक बटन दबा के इसके बूट को बंद कर सकें। और यही सेम चीज गाड़ी के अंदर से और की से भी की जा सकती है। Now let's have a look at its cabin, जो कि है ब्रांड न्यू। यहां पर एक व्हाइट एंड ब्राउन कैबिन थीम मिलती है वुडन इंसर्ट के साथ, लेकिन सफारी के अलग अलग वेरिएंट्स में आपको अलग अलग थीम्स मिलेंगी और डार्क एडिशन में एक ऑल ब्लैक कैबिन भी, पर डिजाइन एलिमेंट सब में सेम ही रहेंगे। पहले की तरह ही यहां पर भी डैशबोर्ड मल्टीपल लेयर से बना है, इसमें प्लास्टिक भी है, वुड लाइक फिनिश भी है, ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स भी हैं और लेदरेट पैडिंग भी है। इन सब से ये कैबिन आपको थोड़ा एक अप मार्केट फील देता है। साथ में आपको यहाँ पे टाटा का नया स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, जिसमें एक बैकलिट टाटा लोगो आता है और डोर पे और सेंटर कंसोल पे आपको ग्रोम एलिमेंट्स भी मिल जाते हैं। पर आपको अपने साथ एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ रखना पड़ेगा, क्योंकि इन ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स पे डस्ट काफी अच्छे से दिखती है। और यहाँ पर फिट एंड फिनिश भी थोड़ी बेटर हो सकती थी, बटन्स तो काफी क्लिकी और रिस्पॉन्सिव हैं, पर सेंटर कंसोल और गियर नॉब थोड़े से फ्लिमजी और स्क्वीकी हैं। बट दिस कार इज कंफर्टेबल, इन सीट्स की कुशनिंग अच्छी है, ये स्पेशियस हैं और आपको अपनी जगह पे होल्ड करके रखती है और साथ में यहाँ पे वेंटिलेशन फंक्शन भी आता है। पर यहाँ फीचर्स की कमी नहीं है, सीट वेंटिलेशन के अलावा फ्रंट सीट्स पावर्ड हैं, ड्राइवर सीट पे मेमोरी फंक्शन आता है और फ्रंट पैसेंजर सीट पे इलेक्ट्रिक बॉस मोड है, ताकि आप इसे पीछे से कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा यहाँ पे एक 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी है, जो इजी टू यूज है, स्मूथली चलता है और इसमें कोई ऐसे ग्लिचेस भी नहीं है जो प्री फेसलेस सफारी के स्क्रीन में आते थे। ये वायरलेस एंड्रॉइड बटन आपने कारप्ले भी सपोर्ट करता है, विच एक्चुअली वर्क्स सीमलेसली। बाकी और भी बहुत फीचर्स हैं, जैसे ये 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, यहाँ पे आप ड्राइव इन्फॉर्मेशन के अलावा नेविगेशन भी देख सकते हैं। ये डिस्प्ले काफी क्लियर है और इजीली अंडरस्टैंडेबल भी। उसके अलावा यहाँ पे एक वायरलेस फोन चार्जर है, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, JBL का साउंड सिस्टम है, एम्बिएंट लाइटिंग है और हाँ एक पैनोरामिक सनरूफ भी। फ्रंट में वायरलेस चार्जर के अलावा फोन चार्ज करने के लिए आपके पास USB टाइप सी और टाइप ए पोर्ट है और स्टोरेज के लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस कम नहीं है। दोनों डोर्स में 1 लीटर के बॉटल होल्डर्स हैं और साइड में थोड़ी स्पेस है जहाँ पे आप छोटा मोटा सामान रख सके। और सेंटर कंसोल में 2 कप होल्डर्स हैं, एक सेंटर आर्मरेस्ट है विद अ कूल स्टोरेज और एक कूल ग्लव बॉक्स भी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड रो। इस रिव्यू के लिए हमारे पास सफारी का 6 सीटर वेरिएंट है, जिसमें ये कैप्टन सीट्स आती हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ी और स्पेस चाहिए तो आप 7 सीटर वेरिएंट भी कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे रियर पैसेंजर्स को स्पेस की कमी महसूस नहीं होगी, हेडरूम, लेगरूम और नीरूम तो अच्छा है और डिसेंट अमाउंट का अंडर थाई सपोर्ट भी है। और रियर पैसेंजर के कंफर्ट को थोड़ा और बढ़ाने के लिए ये सीट्स भी वेंटिलेटेड हैं। यहाँ पे चार्जिंग के लिए आपको USB टाइप ए और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं और स्टोरेज ऑप्शंस भी यहाँ पे अच्छे खासे हैं। सामने फोन रखने के लिए स्पेस दी गई है, फ्रंट सीट्स के पीछे सीट बैक पॉकेट्स हैं, दोनों डोर्स में बॉटल होल्डर्स हैं और उनके ऊपर एक ट्रे दी गई है जहाँ पे अपना फोन या फिर वॉलेट रख सके। नाउ लेट्स सी कि क्या थर्ड रो में भी इतनी ही स्पेस है। नहीं, यहाँ पर आपको थोड़ी स्पेस की कमी फील होगी। सेकंड रो को आगे स्लाइड करके यहाँ पर जगह तो बनाई जा सकती है, लेकिन फिर भी आपको अंडर साइड सपोर्ट अच्छा नहीं मिलेगा। और अगर सेकंड रो ऑक्यूपाइड है देन यू विल हैव टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज ऑन स्पेस और आपको अपने लेग्स को ऊपर करके बैठना पड़ेगा।
ये रो बच्चों के लिए ज्यादा अच्छी है क्योंकि अडल्ट्स यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करेंगे स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस में। बाकी आगे के रोज की तरह ही यहाँ पे टाइप ए और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स हैं, एसी फैन के लिए कंट्रोल्स हैं और स्टोरेज के लिए आपको दो इंडिविजुअल कप होल्डर्स मिल जाते हैं और उसके नीचे एक छोटी सी ट्रे है जहाँ पे अपना सामान जैसे फोन या वॉलेट रख सके। चलो ये तो हो गए सारे सीट्स और फीचर्स, पर सेफ्टी का क्या? अब जैसे इसमें फीचर्स की कोई कमी नहीं थी वैसे ही यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट में भी कोई कमी नहीं है। इसमें 7 एयरबैग्स मिल जाते हैं जिसमें से 6 स्टैंडर्ड हैं और उसके साथ साथ एबीएस विद ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स भी। इन बेसिक फीचर्स के अलावा यहाँ पे एक 360 कैमरा भी है जिसका इंटीग्रेशन और कैमरा क्वालिटी दोनों ही काफी नीट है और इंडिकेट करने पे साइड का डिस्प्ले आपको इंफोटेनमेंट डिस्प्ले पे ही दिख जाएगा। उसके अलावा टाटा ने यहाँ पे ADAS फीचर्स भी ऑफर किए हैं जैसे ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर वार्निंग और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग। टाटा ने यहाँ पर अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल भी ऑफर किया है विच इज अ वेरी नाइस एडिशन। ये फीचर लो स्पीड पे भी अच्छे से काम करता है, स्टॉप एंड गो फंक्शन के साथ आता है और आपको क्रूज करने में काफी हेल्प करेगा स्पेशली हाईवेज पर। बट द बिगेस्ट थिंग इज कि ये मॉडल क्रैश टेस्ट भी हुआ है और ग्लोबल एनकैप के साथ साथ भारत एनकैप में भी इसे एक परफेक्ट 5-स्टार रेटिंग मिली है, तो सेफ्टी के मामले में आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द टाटा सफारी। टाटा सफारी में एक 2 लीटर का डीजल इंजन आता है जो कि काफी रिस्पॉन्सिव है और अच्छी खासी पावर रखता है। इसके साथ एक 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शंस आते हैं और आज हमारे पास इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट है। परफॉर्मेंस के मामले में पहले से कुछ बदला नहीं है एंड दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज इट इज स्टिल अ वेरी फन टू ड्राइव कार। इसका एक्सेलरेशन क्विक है, ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के गियर शिफ्ट भी टाइमली और स्मूथली हो जाते हैं। इसमें 3 अलग अलग ड्राइव मोड्स हैं और वेट और रफ कंडीशंस के लिए भी डेडिकेटेड मोड्स दिए गए हैं। चाहे आप सिटी में चला रहे हो चाहे हाईवे पे, ओवरटेक्स एफर्टलेसली हो जाते हैं और पावर की कमी कहीं महसूस नहीं होती और ना ही हाई स्पीड से जाने में टाइम लगता है। अब वैसे तो इसका कैबिन इज वेरी वेल इंसुलेटेड तो बाहर की आवाजें आपको कैबिन के अंदर सुनाई नहीं देंगी, बट क्योंकि इसका इंजन अब पहले जितना रिफाइंड नहीं है तो गाड़ी के अंदर फुटवेल एरिया में आपको वाइब्रेशंस फील जरूर होंगे, बट यू विल गेट यूज्ड टू इट। अब राइड कंफर्ट की बात करें तो इट्स आल्सो वेरी कंफर्टेबल। इसके सस्पेंशन छोटे गड्ढों को बड़े आराम से अब्सॉर्ब कर लेते हैं तो सिटी की खराब सड़कों पर स्लो स्पीड पे आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, पर क्योंकि इसका सस्पेंशन ट्रैवल थोड़ा कम है तो बड़े डीपर पॉटहोल्स में निकलने पर से आपको एक लाउड थड सी आवाज सुनाई पड़ेगी। सो इन केसेस में आप गाड़ी को स्लो ही रखें तो बेटर रहेगा। हाईवे पर हाई स्पीड पे स्टेबल रहती है पर एक बड़ी एसयूवी होने की वजह से आपको बॉडी रोल जरूर फील होगा, बट दैट्स अ गिवन फॉर सच एन एसयूवी एंड आपकी ओवरऑल राइड क्वालिटी कंफर्टेबल ही रहेगी। अब कोई भी नई गाड़ी लेने से पहले आपको उसकी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जान लेनी चाहिए, जैसे कि टायर प्रेशर। सफारी के चारों टायर्स का रिकमेंडेड प्रेशर है 33 PSI और वो आपको डोर के साइड में ही दिख जाएगा। यहाँ पर स्पेयर व्हील गाड़ी के नीचे माउंटेड है और वो भी बस 16 इंच का है और बात रही जैक और टूल्स की तो वो आपको बूट मैट के नीचे मिल जाएंगे। लास्टली अब इसकी सर्विस और वारंटी की डिटेल्स को भी जान लेते हैं। टाटा सफारी की फर्स्ट 3 सर्विसेज फ्री हैं जिसमें से पहली होगी 1000 से 2000 किलोमीटर या फिर 2 महीने के इंटरवल पे, दूसरी होगी 7000 से 8000 किलोमीटर या फिर 6 महीने के इंटरवल पे और तीसरी होगी 14000 से 15000 किलोमीटर या फिर 1 साल के इंटरवल पे। और रही बात वारंटी की तो ये खुद ही स्टैंडर्ड 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर की वारंटी के साथ आती है, उसको आप एक्सटेंड करा के 5 साल तक करा सकते हैं। नाउ लेट्स गेट टू द वर्डिक्ट ऑफ द न्यू टाटा सफारी। अपने नए डिजाइन, नए कैबिन, इंप्रूव्ड सेफ्टी और फन टू ड्राइव पावर ट्रेन के साथ अब ये अपने राइवल्स को एक अच्छी टक्कर दे रही है और अपने ओल्डर वर्जन के कंपैरिजन में इसके अब 4 मेजर हाइलाइट्स हैं। बेटर डिजाइन, मोर प्रीमियम कैबिन, बेटर इंफोटेनमेंट पैकेज और ढेर सारे नए फीचर्स। पर हाँ, यहाँ पर अभी भी पेट्रोल इंजन का ऑप्शन नहीं है और ना ही ऑल व्हील ड्राइव का। ओवरऑल प्रोडक्ट तो दमदार है, बस अगर टाटा अपनी क्वालिटी और आफ्टर सेल सर्विस को मैनेज कर ले तो हम इस एसयूवी को रिकमेंड करने से पहले जरा सा भी नहीं हिचकिचाएंगे। बट उसके अलावा द फेसलिफ्टेड टाटा सफारी हैज एवरीथिंग टू स्टे अहेड ऑफ इट्स कंपटीशन एंड बिकम योर नेक्स्ट फैमिली कार। दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड चेक आउट अदर वीडियोस ऑन आवर चैनल। बाय।